हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आप सभी का 24/7 पर। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए लेकर गया है वो है आज यूपीपीएससी आरओ के बारे में, यानी कि जो समीक्षा अधिकारी का है पेपर, उसके बारे में कैसे तैयारी करेंगे, पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी कैसे करेंगे, उसके बारे में एक डिस्कशन आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ मोनिका मैडम मौजूद है, हमारे साथ साहिल सर मौजूद है, और हमारी जो यूपीपीएससी आरओ की टीम है उस टीम में हमारे साथ बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसमें कि मोनिका मैम है, निधि मैडम है, श्वेता मैडम है, संजय सर हैं, यज्ञ सर हैं, हमारे शुभम सर हैं, शुप्रिया झा सर हैं। ये सभी लोग मिलकर के यूपीपीएससी की आरओ की जबरदस्त तैयारी कराएंगे आपको, पूरा एक कंप्लीट तरीके से एक पूरा सिस्टम बताएंगे कि भाई देखिए ये सेशन है, ऐसे ऐसे आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो एक बार इसके सिलेबस और इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं, फिर हम मोनिका मैम और साहिल सर के पास चलेंगे। आपको बता दें कि ये जो यूपीपीएससी आरओ में दो पेपर होते हैं, पेपर वन में अगर प्रीलिम्स की बात करें, पेपर वन में आपका जनरल स्टडी पूछा जाता है, पेपर टू में हिंदी का पेपर पूछा जाता है। हिंदी थोड़ा सा डिफरेंट होती है जो पेपर पूछा जाता है। तो आपको बता दें 12 से 3 बजे तक ये बैच चलेगा और 1 घंटे का हिंदी का बैच अलग चलेगा, यानी टोटल पर डे 4 घंटे का ये बैच चलेगा। 9 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। तो जल्दी से चलते हैं मोनिका मैम के पास, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर साहिल सर के पास पहुंचेंगे। जी मोनिका। सो यस सर, सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेट अनाउंस हो चुकी है, 5 दिसंबर को हमारा एग्जामिनेशन है। तो जो भी एस्पिरेंट हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, सीरियस कैंडिडेट जो भी हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम पहले अटेम्प्ट में, तो सर आई थिंक दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी सीरियस एस्पिरेंट कि एक राइट स्ट्रैटेजी हम उन्हें देने जा रहे हैं, हम उन्हें एक डायरेक्शन देने जा रहे हैं एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ, जिसमें कि वो डेली एनरोलमेंट करा के अपना और डेली एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। खुद को इवैल्यूएट करने के लिए जो मॉक उन्हें देखने को मिलेंगे, वो मॉक अटेम्प्ट करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाएंगे कि कितना हम सीख रहे हैं, क्या हम ठीक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि जो इसका जनरल स्टडीज पेपर वन होता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ हमें जो है नेशनल एज वेल एज जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जिसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करवाने वाली हूँ, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि कई हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स एज वेल एज जो हमारे आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होता है टेक्निकल चीजों को समझना, फिर उन्हें करंट इश्यूज से लिंक कर पाना। तो सर मेरी प्रैक्टिस यही रहेगी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुत ही आसानी से बिल्कुल सरल शब्दों में, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो, एक राइट डायरेक्शन में उनकी तैयारी करवाऊं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन जो है उनका गलत ना हो जिस दिन वो एग्जामिनेशन में बैठे। तो यस सर, साहिल सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू कि आप भी कुछ बताएं। यस मैम, जैसा कि मैं आपने सारी चीजें बताई दी, पेपर का पैटर्न के बारे में सर ने भी बताया था, तो वही चीज है मेरे दोस्त, आपको भी पता है कि देखो एग्जाम का पैटर्न होता है, एग्जाम का सबसे मेन चीज यही होती है, एग्जाम में अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो सबसे पहला फोकस आप पे होना चाहिए पेपर का मेरा पैटर्न क्या है, पेपर का मेरा सिलेबस क्या है। अब उसके अंदर भी क्या होता है मेरे दोस्त, मैक्सिमम जगहों पे आपने देखा होगा तो बहुत सारे से लोग, मैं देखता हूं, मैं खुद भी देखता हूं, मैंने भी प्रिपरेशन कभी आपकी जगह पे मैं भी था, मैंने भी देखा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारा सा मतभेद पैदा कर देते हैं वो लोग सिलेबस के अंदर, बहुत सारे से लोग, और इतना ज्यादा दिमाग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना सिलेबस के अंदर मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है एक वर्ड छोटा सा जुड़ जाता है ईटीसी, अब उसका मतलब किसी को नहीं पता, ठीक। अब वो आपको सही वही बता सकता है जिसने ऑलरेडी उन पहले जिसके पास एक्सपीरियंस हो, सही जिसने पहले से कहीं ना कहीं उन पेपर्स को देखा है, उनको एनालाइज किया है, वो आपको उस ईटीसी वाली लाइन का मतलब बता पाएगा, वरना हर कोई आपको वही बताएगा जो ऑलरेडी लिखा लिखा था। तो अब आपको जो टीम ये पूरी दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, ये दोस्त वो टीम है जो ऑलरेडी कई सालों से लगी हुई है इस एग्जाम्स के अंदर, और हर कोई कई सारे से सिलेक्शन तो दिए ही लेकिन एग्जाम को एनालाइज करते रहे, क्योंकि देखो यार 100% कोई नहीं होता, मैं आपसे ये कह दूं मैं 100 का कराऊंगा और आपका 100 का आ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो 100 वाला जो हर बार होता था उसमें अगर जो अगर 90 का आया था तो आप उसको 91 कैसे करना है, उसके लिए एनालाइज करना बहुत जरूरी होता था, और उसको डे बाई डे इंप्रूव किया गया ताकि आपको अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपीपीसीएस के आपका जो आरओ का पूरा बैच आया है, इसको बहुत ज्यादा टीम में जितने भी मेंबर्स आए ना वो सारे वही आए हैं जिन्होंने एग्जाम को बहुत ज्यादा डीपली अपने अपने सब्जेक्ट में जिनकी कमांड तो अच्छी है लेकिन उनको एक्चुअली में पता है कि अगर पेपर में थोड़ी सी भी चीजें बदल रही हैं तो अगर इससे नहीं हट रहा तो फिर किस पे आएगा, कौन से पॉइंट को पकड़ना है, तो वो सारी चीजें हैं मेरे दोस्त, वो आपको देखने को मिलने वाली है इस पूरे बैच के अंदर जो 9 अगस्त से आ रहा है। तो बाकी सर बैच के बारे में सारी चीजें दिखा दीजिए, बैच हम दिखा देते हैं कि कैसे मिलेगा सर, इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है। तो गाइस आप सभी को 24/7 की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा,
जैसे ही वेबसाइट पर डबल वैलिडिटी का ऑप्शन आज ग्रेट है, डबल वैलिडिटी चल रही है, तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको ये जो सर्च बॉक्स का ऑप्शन है यहाँ पर आपको आरओ या आरओ लिखना है। क्या लिखना मेरे भाई, केवल आरओ लिख दीजिएगा, सिर्फ आरओ आप लिख दीजिएगा। और देखिए ये नीचे हमारा जो समीक्षा अधिकारी का टारगेट बैच है वो बैच आपके सामने आ चुका है। टारगेट देखिए ये बैच आपके सामने 7999 रुपए का ये आरओ आरओ का बैच है। और यहाँ पर अगर आप हमारे फैकल्टीज का कूपन कोड लगाते हैं यानी कि Y335 ये कोड अगर आप लगाते हैं तो ये बैच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1839 रुपए का, यानी कि 1839 रुपए बैच मिल जाएगा। मैं साइज सर, साइज सर कोड आप लगाते हैं Y274 सर, यस सर, Y274 ये कोड भी अगर आप लगाते हैं तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1839 रुपए का मिलेगा, यानी 1839 रुपीज में ये बैच आपको मिल जाएगा। बहुत ही शानदार बैच उत्तराखंड से यूपी से रिलेटेड, और यूपी आरओ आरओ का बैच है। और 300 घंटे की क्लासेज होंगी, मजे की बात ये 300 घंटे की क्लासेज होगी, 9 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 से 3 चलेगा और 6 से 7 चलेगा, 6 से 7 हिंदी की क्लास चलेगी। बहुत ही जबरदस्त बैच है और ये सारे फेवरेट फैकल्टीज के यहाँ पर लेक्चर लगे, यज्ञ सर हिंदी पढ़ाएंगे, यज्ञ सर का भी लेक्चर लगा हुआ है, आपके सारे फेवरेट फैकल्टीज के यहाँ पर लेक्चर लगे हुए हैं। गाइज टाइम मत वेस्ट कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, देखिए दो पेपर होते हैं यहाँ पर, आपको दिखा दूँ, जनरल हिंदी का एक पेपर होता है, देखिए जनरल हिंदी में जनरल वोकैबुलरी एंड ग्रामर पूछी जाती है, बाकी आपका साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस साइंस वर्ल्ड ज्योग्राफी नेचुरल क्लाइमेट ये सारी चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो गाइज समय कम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, फटाफट सेशन को ज्वाइन कीजिए। 9 तारीख से बैच है, सीटें बहुत तेजी से फुल हो रही हैं, और आज जो है वो डबल वैलिडिटी का लास्ट डेट है, तो और भी बहुत तेजी के साथ यहाँ पर सीटें फुल हो रही है। फटाफट गाइज चीजों को ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए। मोनिका मैम लास्ट में कुछ और बताना चाहेंगे आप? यस सर, सर जैसा कि मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी हमने देखा मीराबाई चानू जी हैं जो कि हमारे लिए मेडल लेके आई हैं, उन्हें डायरेक्शन दिया था उनके गुरु ने, उनके मेंटर ने, उनके कोच ने। तो जब तक आपके पास डायरेक्शन नहीं होता है तो हमें पता नहीं होता है कि तैयारी में आगे बढ़ना कैसे है। तो इसीलिए हम अपना एफर्ट लगाएंगे अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देने में, सो दैट वो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई करें एंड मॉक देखें। डाउट सेशन हम उनका लेंगे एज वेल एज लाइव क्लासेस होंगी। तो आई डोंट थिंक सर 1800 रुपीज में घर बैठे पैंडेमिक सिचुएशन में जो है कोई भी प्रिपरेशन कर सकता है, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ। तो डेफिनेटली आई थिंक एवरीवन शुड एनरोल एंड लेट्स मीट एट 9 अगस्त। आई थिंक हम बहुत ही होपफुल हैं, रेडी हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए, अपनी लर्निंग कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। सर मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, मैम ने बताई दिया 1839 रुपए में आपको बैच दिख रहा है, और उस पर भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप अभी जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, ऐप के अंदर आपको 100 रुपए का और इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 1000 पॉइंट आपको तुरंत मिलता है जब आप फर्स्ट टाइम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्त और भी ज्यादा सस्ता मतलब 1700 के अप्रॉक्स आपको बैच मिल जाएगा, और जिन्होंने पहले से ऐप डाउनलोड कर रखे हैं तो उनके यहाँ भी डेली लॉगिन पर आपको कॉइन मिलते हैं। सो उन कॉइन्स का यूज करो, अपनी पढ़ाई पे नहीं करोगे तो क्या करोगे उस कॉइन का मेरे दोस्त, तो पढ़ाई पे अभी मौका है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मोनिका मैम, साहिल सर, और ये बैच बहुत बेहतरीन है, आरओ आरओ का है, फटाफट बैच को ज्वाइन करिए, अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर।